खास, पहले वहां जा चलते हैं। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के साथ जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग में आपको बता दें कई अहम पहलू होंगे जिन पर देखिए आज विचार किया जाएगा। कल ये मीटिंग इसलिए खास हो गई थी क्योंकि कल गृह मंत्रालय की एडवाइजरी को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से कोरोना महामारी को देखते हुए आगे की रणनीति तय करने पर जरूर विचार विमर्श हो रहा होगा। और जो सबसे ज्यादा बड़ी बात देखने वाली वो है प्लाज्मा थेरेपी जो कि केजीएमयू में शुरू हो रही है, क्या उसको लेकर भी आज इस मीटिंग में कोई बात आगे बढ़ती है, किस तरीके से इस प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाया जाए। हालांकि कई हॉटस्पॉट क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर अभी केसेस सामने नहीं आए हैं कुछ दिनों से, उस पर भी आज जरूर विचार किया जा रहा होगा। और अब धीरे धीरे देखिए वो 3 मई की तारीख जो लॉकडाउन का अंतिम दिन अभी तक बताया जा रहा है तय सती, क्या उस तारीख के अंदर अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो वाकई पूरी तरीके से कारगर साबित हुई हैं, उन पर भी आज विचार कर रहे होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फिलहाल एक तरफ देखिए आज ये मीटिंग सीएम की हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो जिला प्रशासन है वो अपने स्तर पर काम कर रहा है और इसी के बारे में समीक्षा करने के लिए रोज टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मीटिंग होती है। अफसरों के साथ इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए कुछ निर्देश भी यहाँ पर इन अफसरों को देते हैं और साथ ही साथ कुछ सुझाव भी लेते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आज क्या पूरा आंकड़ा रहा है, किस तरीके के हालात रहे हैं अपने यूपी के, उसको लेकर आज मंथन किया जा रहा होगा। यूपी में अभी तक जितने भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनका इलाज कैसे हो रहा है और कितनी संख्या में लोग ठीक हो चुके हैं, उसको लेकर भी आज जरूर आंकड़े पूछ रहे होंगे सीएम। संजय सिंह चौहान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, एक बार फिर से आज टीम 11 के साथ जो मीटिंग हो रही है, आज क्या कुछ खास इस मीटिंग में हो सकता है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, सीएम की जो 11 की बैठक है कुछ शुरू हो चुकी है और आज फिर कोरोना के वायरस से जिस तरीके की संख्या बढ़ रही है उस पर चर्चा होगी। शेल्टर होम आगे आगामी देखते हुए दिनों को लेकर के कैसे बनाए जाए उस पर चर्चा होगी। मजदूरों को जो लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है उसको लेकर के कैसे उनको घर जाने के पहले क्वारंटाइन किया जाए जिससे कि रोग और न फैल सके उस पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के वार्ड में तब्दील करके उन्हें आगे आने वाली संभावनाओं को देखते हुए तब्दील किया जाए उस पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर लगातार कोरोना को लेकर के सुबह उनकी बैठक 11 टीम के साथ होती है और जो आदेश दिए गए हैं वो कितने इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उसका ग्राउंड जीरो पर कितना लाभ मिल रहा है उसकी समीक्षा की जाती है और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से काम किया जाए उस पर चर्चा करने के बाद उन्हें आदेश जारी किए जाते हैं। तो ये बैठक अभी शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर बाद जो है इस बैठक के जो इम्प्लीमेंट वाले आदेश है वो जारी होने शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल संजय, और देखिए लेकिन सबसे खास तो ये भी है आज कि आज सीएम इस मीटिंग में कहीं ना कहीं प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी जिक्र जरूर कर रहे होंगे क्योंकि उसकी शुरुआत भी देखिए केजीएमयू से हो रही है, उसको लेकर क्या अपडेट, क्या उसको लेकर भी आगे की रणनीति पर बात हो सकती है? बिल्कुल, ये रोजाना की बैठक में बताऊं शिवांगी आपको कि किस तरीके से अपग्रेडेड जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कोरोना के पेशेंटों की जांच हो सके, इन तमाम बिंदुओं पर रोजाना चर्चा होती है और कहीं ना कहीं प्लाज्मा की जो विधि आई है वो असंतोषजनक है और उस पर जरूर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो है जिस तरीके से कोरोना के अन्य तरीके हैं जांच के लेकर के उन्हें कैसे अपग्रेड किया जाए उसको लेकर के चर्चाएं होंगी और तमाम जो प्रभावित जिले हैं उन्हें वहां पर अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, वहां से इनपुट लिया जाएगा कि वहां पर किस तरीके के हालात बने हैं और आगे किस तरीके की सुविधाएं वहां पर प्रदान की जाए जिससे वहां पर काबू किया जा सके और राहत मिल सके, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा शुरू हो चुकी है और जल्दी ही इस पर मुहर लग जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए संजय लेकिन ये भी देखने में आया था कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और कहा था कि सरकारी निजी अस्पताल में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें संक्रमण का खतरा कहीं ना बढ़ रहा है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने की बात निकलकर सामने आई थी कि आखिरकार स्वास्थ्य कर्मियों को कैसे हम सुरक्षित रखें, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, क्या उसको लेकर भी आज यहाँ पर मंथन चर्चा हो रही होगी? बिल्कुल शिवांगी, जरूर इस पर चर्चा होगी क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल हो या मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज इन सभी पर जो सबसे पहला तो ये है कि जो वहां पर इलाज करा रहे मरीज पहुंच रहे हैं उनको स्कैन किया जाएगा, उसके साथ ही उसके बाद ही उनका किसी भी प्रकार का जो इलाज होगा वो शुरू किया जाएगा, उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसका किस तरीके से उपयोग शुरू हो पाया है उस पर जरूर मंथन करेंगे, उस पर इनपुट लेंगे कि किस ग्राउंड जीरो पर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि और साथ ही साथ जो मेडिकल कार्यों में लगे हुए हैं चाहे सफाई कर्मी हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, उनको किस तरीके से बचाया जाए और साथ साथ जिस तरीके से जो सुरक्षा के कर्मचारी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, उनको कैसे
कैसे बचाया जाए, उनके जो मानसिक लेवल है उसे कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि लगातार दो दिन से देखने को मिल रहा है कि पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और डॉक्टर भी प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानसिक जो हालात है वो खराब हो रहे होंगे सुरक्षा कर्मियों के, तो उससे उबारने की भी बड़ी जरूरत है। ये एक अहम बिंदु होगा आज की मीटिंग पर। शिवांगी बिल्कुल संजय, देखिए ये भी कहा गया था कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अधिकारी जो है उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बनाने वाले हैं इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए और इस कमेटी में कई लोग शामिल भी किए जाएंगे। उस कमेटी से जुड़ी हुई आपके पास कोई जानकारी हो और शायद उस पर भी आज इसमें चर्चा हो रही हो, अगर आपके पास जानकारी हो तो बताइए। बिल्कुल शिवांगी जी, जो प्रभावित जिले हैं वहाँ पर नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं, बस्ती में भी तैनात किया गया है, महाराजपुर में भी तैनात किया गया, ऐसे तमाम जो प्रभावित जिले हैं वहाँ पे नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। साथ ही वो कमेटी, कोर कमेटी बनाई गई है, जो कोर कमेटी पूरी तरीके से ये अपग्रेड देखेगी कहाँ पर किस तरीके से हॉस्पिटल्स पर काम चल रहा है, उनमें कितना मॉडरेट किया जा सकता है, किसी भी हॉस्पिटल को वहाँ पर किस तरीके से इलाज और बेहतर किया जा सकता है, उन तमाम व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखते हुए पूरी कमेटी जांच करेगी और रिपोर्ट भी सौंपेगी, साथ साथ लोगों तक फायदा पहुंचे इस पर विशेष फोकस करेगी। चलिए संजय आप नजर बना के रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।